दिल्ली से सटे नोएडा का एक गांव आज भी भगत सिंह और उन क्रांतिकारियों की यादें सजोए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 145 स्थित नलगढ़ा गांव की, जहां पर भगत सिंह और उन क्रांतिकारियों ने प्लानिंग की थी किस तरीके से आजादी हासिल की जाए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। हिंडन और यमुना नदी के बीच बीहड़ में बसा नलगढ़ा गांव, जिसकी देश को आजाद कराने में अहम भूमिका रही। इसी गांव में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ने की योजना बनाई थी। 3 सालों तक इस बीहड़ गांव को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने अपने छिपने का ठिकाना बनाया। इसी गांव में आजादी के मतवालों ने वो बम बनाने सीखे, असेंबली में जिसकी गूंज ने अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार डर का एहसास कराया। लेकिन सरकारों और प्राधिकरण की अनदेखी की वजह से आज भी ये गांव विकास से कोसों दूर है। आश्वासन तो बहुत दिए जा रहे हैं और काफी देर से दिए जा रहे हैं, पर अभी तक भी ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। ये सामने इधर इन्होंने एक जमीन है इसी गांव की, वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक्वायर करी है। वो कह कम से कम अब 4-5 साल तो हमें सुनते हो गए हैं कि हम यहाँ एक स्मारक बनाएंगे, एक बहुत बड़ा ऊंचा मॉन्यूमेंट बनाएंगे। और वो कह रहा है ये जो एक मेट्रो का कोई स्टेशन बन रहा है, इसका भी नाम उन्हीं के नाम से रखेंगे। बोर्ड भी लगे हुए हैं अभी तक, पर हुआ कुछ नहीं। क्रांतिकारियों के लिए ये गांव ट्रेनिंग का अड्डा बना। जिस पत्थर पर बम का मसाला बनाना क्रांतिकारियों ने सीखा, वो आज भी गाँव में मौजूद है। नलगढ़ा गांव में शहीद भगत सिंह स्मारक बनाने का ऐलान कर गांव के विकास की योजना तो बनी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी यहां बोर्ड लगाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है और गांव के लोग विकास की बाह जोट रहे हैं। हां, तैयारी भी हुई 1-1.5 साल पहले, सब बड़ी तैयारी हो गई थी। वो भी आ गया था आज का, आदमी भी आ गए थे काम करने के लिए, फिर पता नहीं कैसे चला गया। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौकों पर अक्सर अधिकारी गांव का दौरा करते हैं और कई वादे किए जाते हैं। योजनाएं बनती हैं, लेकिन गांव के लोगों को इंतजार है कि विकास के वादे कागजों से उतरकर कब जमीन पर आएंगे और शहीदों के इस गांव का विकास होगा। अनिल चौधरी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।